ये तो घेर रखे है, जानकारी तो इतनी बहुत है कि चारों तरफ तो घेर रखे है। दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है और नंबर वन की पुलिस क्लेम करती है, और उनके रहते हुए भी इस तरह के हमले हो जाते हैं। और जब जब पहरेदारी हमला करने वाला हो तो कौन रोकेगा भाई? अब साइड में कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे सरकार को? नहीं नहीं, हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं। क्या पता भाई कितने दिन चल जाए, राड कर भूत कर छाज का पता आ गया, क्या पता कितनी बढ़ानी पड़ जाए। ये जांच करने वाले भी वही, उन्हीं की जांच होनी जी। तो दिल्ली पुलिस तो शराब पीती नहीं जी। ये एफिडेविट जरूर ले लो इनसे कि कोई शराब नहीं पीता दिल्ली पुलिस का आदमी भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना यहाँ। टिकैत इस आंदोलन में फिलहाल पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत आ रहे हैं आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोग हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग यहां पर आ गए हैं। राकेश टिकैत से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया क्या? रखे कदम पूरा बैरिकेटिंग कर रखे, कदम तो उठा रखे। रात में लोग साथ जो भी चीजें हुई हैं, आपको क्या जानकारी मिली? ये तो घेर रखे, जानकारी तो इतनी बहुत है कि चारों तरफ तो घेर रखे। दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है और नंबर वन की पुलिस क्लेम करती है, और उनके रहते हुए भी इस तरह के हमले हो जाते हैं। और जब जब पहरेदारी हमला करने वाला हो तो कौन रोकेगा भाई? अब साइड में सटेज पर चलिए, एंट्री चलो भाई, पूरे सटेज पर चलो, अभी चले, अभी बातचीत कर ले पहले, और जब फिर बताएंगे। यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पहलवानों के समर्थन? देखो, रात जो भी घटनाक्रम हुआ है हम बात करेंगे इनसे भी, और कोई अधिकारी होगा तो उससे भी कमेटी बात करेगी, हम बात करेंगे उनसे भी। ये शांतिपूर्ण तरीके से धरने में बैठे, हमने ज़्यादा भीड़ नहीं बुलवा रखी, जितने लोग रोज आ रहे हैं वे सुबह ही आते हैं, शाम को चले जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने खूंटा गाड़ने की बात कही है 12 तारीख से, क्या आप भी समर्थन करेंगे? भाई खूंटा तो कोई गाड़ लो, क्या दिक्कत है खूंटा गाड़ने में? हाँ, गाड़ना चाहिए। आप कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे सरकार को? नहीं नहीं, हमारा कोई अल्टीमेटम नहीं। क्या पता भाई कितने दिन चल जाए, राड कर भूत कर छाज का पता आ गया, क्या पता कितनी बढ़ानी पड़ जाए। राकेश जी, जिस तरह से कल घटना हुई सामने आई, उसमें आरोप भी लगा कि दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर कर्मचारी थे वो शराब के नशे में भी थे, और देखो कुछ जो मेडिकल जांच आई उसमें जो दिल्ली पुलिस की ओर से ये बयान आया कि जो शराब के नमूनों की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है, इस पर क्या कुछ होने की नहीं? अच्छा, जब जाए ये बता रहे कि जांच करने वाले भी वही, उन्हीं की जांच होनी जी। तो दिल्ली पुलिस तो शराब पीती नहीं जी। ये एफिडेविट जरूर ले लो इनसे कि कोई शराब नहीं पीता दिल्ली पुलिस का आदमी भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना यहाँ पे। क्या शराब के नशे के बगैर इतना काम कर दिया उन्होंने? ये बच्चे हैं ना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पुलिस फोर्स की है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनके जो मुद्दे हैं उसकी भी जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है। कोई साजिश इस तरह आंदोलन खत्म करवाने की इस तरीके से? हाँ, साजिश तो भाई रचाई कर रहे हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बात की कि अब फाइनल जो डिसीजन है वो हम जो आपकी जो मांगे थे कि देखो FIR हो, और उसके बाद फिर जो पहलवान जो जिन्होंने मतलब शिकायत की है उनको सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम फाइनल है, लोअर कोर्ट से जाना पड़ेगा फिर। तो आप लोग जाएंगे? अब ये बात करेंगे, जो कमेटी है उनसे बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर। राकेश टिकैत हैं किसान नेता और जंतर मंतर पर आ गए हैं, और आगे बातचीत करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे समर्थन की बात की है उसी तरीके से समर्थन की बात राकेश टिकैत भी कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं और उनके समर्थक जो हैं तमाम अपने समर्थकों के साथ। राकेश टिकैत फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शाम का वक्त है, देखना ही होगा कि राकेश टिकैत कितनी देर तक यहाँ बैठते हैं। और राकेश टिकैत ने कहा कि आगे की जानकारी मीडिया को वे जब किस खिलाड़ियों से मिल लेंगे, पहलवानों से मिल लेंगे, उसके बाद आगे की जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया है कि सरकार के पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है, 8वां दिन होगा वो इंसाफ का होगा, जस्टिस का होगा, न्याय का होगा, और अब पहलवानों को इंसाफ मिल करके अब पहलवानों को हर हाल में इंसाफ मिल जाएगा।
कैमरा पर्सन आशिक, साथ में नवीन पानंदा, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।